आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर मालखरौदा से निकल कर सामने आ रही है। जी हां, रामनामी भजन मेला पिकरी मालखरौदा में पहुंचे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के जवाब में क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं के जुबानी। बड़ा 3 दिवसीय बड़े भजन मेला का आयोजन, और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भी आमंत्रित किया, सम्मिलित होने का अवसर मिला। इसके पहले भी 2 बार सम्मिलित हो चुका हूँ, और ये जहाँ अपने कपड़े में राम नाम लिखवाते हैं, वही शरीर में पूरे गोदना या टेटू जिसे कहते हैं पूरे शरीर में, और भजन भी राम राम ही करते हैं। तो ये राम रामी समाज ये सोच है कि राम सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, उस राम को का भजन ये लोग करते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, एक चीज़ है, इसकी आवश्यकता क्या है? यदि कोई घुसपैठिया है, आया है, और उसको आप पकड़िए, या जो आवेदन देते हैं उसको आप नागरिकता दें, लेकिन सबको लाइन में लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है? मुझे भारतीय होने के लिए किसी प्रमाण की ज़रूरत है, या आपको भारतीय होने किसी प्रमाण की ज़रूरत है? अब आपको प्रमाणित करने के लिए कहा जा रहा है आप अपने माता पिता का जन्म स्थान बताएं, ये भी कहा जा रहा है कि उसके जन्म तिथि बताएं। ऐसे कितने लोग हैं जिसके माता पिता पढ़े हैं, जिसके पास प्रमाणित कर पाएंगे कि उसका जन्म तिथि कौन सा है, और नहीं करा पाएंगे तब क्या स्थिति होगी? इस वक्त की बड़ी खबर जो कि मालखरौदा से निकल कर सामने आ रही है।